शिक्षा विभाग का एक और कारनामा उजागर, भ्रष्टाचार में लिप्त एक और विद्यालय। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को एक और विद्यालय का कारनामा उजागर हुआ है, जो कि नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ग्राम सरिया सुल्तानपुर है। इसके प्रबंधक मोहम्मद आरिफ सुद मोहम्मद अहमद हैं। शिकायतकर्ता अब्बास अहमद एडवोकेट ने यह आरोप लगाया है कि नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सरैया पूरे बिसेन पोस्ट अलीगंज जिला सुल्तानपुर के बाबत मैंने दिनांक 10/9/2020 को अपर सचिव महोदय, जिलाधिकारी महोदय, डीआईओएस महोदय को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि ये विद्यालय फर्जी ढंग से चलाया जा रहा है, जिसमें छात्रों का भविष्य अधर्म है और विद्यालय में तमाम वित्तीय खामियां हैं, मानक के विपरीत है, प्रयोगशाला नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, जो मानक होता है, जो रकबा होता है वो पूरा रकबा नहीं है, और बैनामे दूसरे के नाम है, विद्यालय का संचालन दूसरे के जरिए कराया जा रहा है। कुल 10 बिंदुवार मैंने शिकायती प्रार्थना पत्र किया था, दिया था, जिसमें श्री जेपी यादव डीआईओएस महोदय ने जांच किया और जांच सरसरी तौर पर दो लाइन की ये रिपोर्ट लगा दिया कि रिकवरी जो है नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन है, जबकि हमने 10 बिंदु पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, 9 बिंदु को उन्होंने छुपा लिया और प्रबंधक जो मोहम्मद आरिफ है उस स्कूल का, उसने गांव में ये तमाम लोगों से कहा कि डीआईओएस साहब श्री जेपी यादव जी रिटायर होने वाले हैं और उनको पैसे की आवश्यकता है, मैंने 1-2 लाख रुपए देके उनको खरीद लिया, तुम्हारी शिकायती प्रार्थना पत्र पर अब कुछ नहीं होगा, तुम घर बैठो। तो उसी के क्रम में मैंने दूसरी शिकायती प्रार्थना पत्र आज अपर सचिव महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, डीआईओएस महोदय को दिया है कि और जो शेष बिंदु हैं उन पर जांच कराकर इस कथित विद्यालय की मान्यताएं निरस्त की जाएं। बिल्कुल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, स्कूल में लगभग 11 से 12 बिस्सा जमीन होनी चाहिए और इनके पास कोई भी जमीन नहीं है विद्यालय के नाम, खेल का मैदान नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है और छात्रवृत्तियों में तमाम घोटाले हैं। ये सब का जांच डीआईओएस महोदय नहीं कर रहे हैं, सरसरी तौर पर जिलाधिकारी महोदय को गुमराह करते हुए एक रिपोर्ट उन्होंने भेजा है। इन्होंने पूर्व सांसद महोदय से निधि ली थी, वो निधि पर निर्माण उस स्थान पर जहां इनको करना था, जिस स्थान पर निर्माण करने के लिए निधि दी गई थी उस स्थान पर इन्होंने निर्माण नहीं किया, दूसरे स्थान पर इन्होंने निर्माण किया। पूर्व में शिकायत की गई थी जिसमें पार्लियामेंट से एक जांच आई थी और उस जांच में ये आदेश पारित हुआ था कि इनकी पूरी निधि 3,40,000 रुपये वापस ली जाए, उसके बाबत ये हाईकोर्ट में चले गए, स्टे ले आए हैं, तब से वो मामला पेंडिंग है। उस कई बार पूर्व जिलाधिकारी महोदय श्री शंकरलाल पांडे जी ने, श्रीमती के धन लक्ष्मी जी ने इनके स्कूल की मान्यताएं रद्द कर दी हैं, किंतु अभी भी डीआईओएस साहब के शय पर ये अवैध विद्यालय संचालित किया जा रहा है। ये मुझे लगातार लोगों से धमकी भिजवा रहे हैं कि इसको विड्रॉ कर लीजिए, और मामले भी हैं उनको विड्रॉ कर लीजिए, अन्यथा आपको जान से मरवा देंगे, ट्रक से कुचलवा देंगे, गोली मरवा देंगे भाड़े के शूटर से, इस तरह की धमकी उनके द्वारा लगातार मुझे भेजी जा रही है। इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये अपराधी किस्म का आदमी है, दर्जनों FIR इसके ऊपर लॉज है और पुलिस से मेरा यही निवेदन है कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। इसी स्कूल की एक बिना पंजीयन की मैजिक ने अभी हाल ही में 2 लोगों की हत्या की थी थाना धम्मौर में, वो मैजिक अभी भी खड़ी है और 2 लोग मर गए और उसकी चार्जशीट भी न्यायालय जा चुकी है, ट्रायल शुरू है। तो जी तो कोई जिम्मेदारी नहीं,
की जिम्मेदारी बनी, प्रबंधक की जिम्मेदारी बनी, सबके विरुद्ध चार्जशीट प्रेषित है न्यायालय में। जी, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय को इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच अपनी निगरानी में करानी चाहिए और स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष करानी चाहिए, DIO साहब से न कराकर और किसी स्वतंत्र संस्था से करानी चाहिए। जी जी, सूबे के मुख्यमंत्री के लिए ये संदेश है कि जमीनी लेवल पर भी आप देखें, आपके अधिकारी जो प्रभारी DIOs हैं उनको बस रिटायरमेंट का कुछ समय बचा है, तो उनको ये लग रहा है कि अब हमें जितना मिल जाए उतना रख लें, सही गलत निर्णय नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये अनुरोध है कि इस प्रकरण को वो स्वयं संज्ञान लें और तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करें। सर, विद्यालय है नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से है, प्रबंधक मोहम्मद आरिफ हैं, शिक्षक मोहम्मद अहमद हैं, ग्राम सरैया पूर्व विषय प्रबंधन विधानपुर तहसील सुल्तानपुर के। सर, इसमें क्या मान्यता जो है जो दी गई है इनको, वो क्या तथ्यों के आधार पर दी गई है? इसमें क्षेत्रीय कार्यालय से आज ही पत्र प्राप्त हुआ है, इसमें अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि पूरी पत्रावली अभी हमें देखनी है। जस्ट आज ही पत्र प्राप्त हुआ है, अभी मैं जल्दी ही प्रभार लिया हूँ, इसलिए चूँकि पत्र आज ही मिला है मैं तुरंत कार्रवाई की। कुल रकबा जो है तीस हेक्टेयर है, बैनामा रजिस्ट्री शुदा 17/2009 के आधार पर है, जो कि मान्यता देने के शर्तें होती हैं उसके विपरीत दी गई है। देखिए, मैंने अभी कहा कि ये पत्र आज ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इसके बारे में जो भी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से आख्या चाही गई है वो भेजेंगे और पूरा उसका फिर प्रयोजन करेंगे, देखेंगे। तो अभी क्या माना जाए, प्रथम दृष्टि का माना जाए इसको, मतलब उसके संबंध में जो शिकायती प्रार्थना पत्र आप द्वारा दिया गया था तो वहाँ से क्षेत्रीय कार्यालय से मुझे आज पत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए तो भी लिखा हुआ है कि रिकवरी होनी है, रिकवरी के आदेश है जो पैसा लिया गया निधि से इस्तेमाल किया गया। हमने आपसे पहले ही कह दिया है ना, चूँकि पत्र आज ही प्राप्त है, उसमें जो भी कार्रवाई करने का है सभी बातों पर गौर किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये पत्र अभी आपने अध्ययन नहीं किया है? नहीं, जस्ट हमें 2 घंटे पहले मिला है। तो कब समय दे रहे हैं हमको आप? अब आपको 4 दिन बाद आप देखिए, पहले हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, मंडे है, थर्सडे को आएंगे। ठीक है।